सब्सक्राइब कीजिए टेक 24 हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 2 Pro में Realme UI अपडेट आने के बाद आपको इसमें क्या क्या नए बग्स देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया है जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप वहां से क्लिक करके नहीं देखे होंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। तो उस वीडियो के नीचे मुझे जितने सारे कमेंट्स मिले हैं, मुझे नए नए बग्स लोगों ने बताया है कि ये बग्स देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी को बात करने वाले हैं, उसी बग्स के बारे में आपको बताने वाले हैं कि उसमें क्या क्या नया बग्स आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर बात करें बग्स नंबर वन की, तो बग्स नंबर वन क्या है, जैसे ही आप किसी ऐप को ओपन करते हो जिसपे ऐप लॉक लगा हो, तो ओपन होने के बाद जैसे ही आप रिसेंट से फिर से उस ऐप को ओपन करते हो तो वह डायरेक्टली ओपन हो जाती है, तो उसमें ऐप लॉक वर्क नहीं करता है। जैसे कि आप सभी को पता है, पहले इसमें ऐप लॉक अच्छे से वर्क करता था, तो ये ऐप लॉक अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगर बात करें बग्स नंबर सेकंड की, तो बग्स नंबर सेकंड मुझे क्या देखने को मिला, जब भी आप किसी गेम को या फिर किसी वीडियो को प्ले करते हो 20 से 25 मिनट या फिर 30 मिनट, तो आपकी मोबाइल ओवरहीट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम मुझे पर्सनली देखने को मिली। जब भी मैं किसी गेम को प्ले कर रहा हूँ या फिर किसी वीडियो को देख रहा हूँ, तो मेरी फ़ोन ऑटोमेटिक ओवरहीट हो गई है। तो ऐसे में मैं बैकअप को निकाल के भी अगर गेम प्ले कर रहा हूँ, फिर भी मेरी फ़ोन पहले से ज़्यादा हीट हो गई है। दोस्तों, अगर बात करें बग्स नंबर थ्री की, तो बग्स नंबर थ्री में आपको क्या देखने को मिल जाता है, बैक जेस्चर्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। अब जैसे कि देख सकते हो, मैंने खुद बटन को लगा के रखा है क्योंकि बैक जेस्चर्स अच्छे से वर्क मेरे फोन में भी नहीं कर रहा है। यार, आप क्या कर सकते हो, बैक जेस्चर्स को डिसेबल कर रख सकते हो। जैसे कि देख सकते हो, मैंने बटन का उपयोग किया है, तो आप क्या कर सकते हो, जेस्चर्स को डिसेबल कर दो, बैक बटन का ही उपयोग करो जब तक कि स्टेबल अपडेट आपको देखने को नहीं मिल जाता है। यार, अगर बात करें अगले बग्स की, तो अगला बग्स दोस्तों मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में देखने को मिला है। जब भी आप किसी को कॉल करते हो या फिर किसी के कॉल को कनेक्ट करते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल पे करते हो, वो कॉन्फ्रेंस कॉल अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अगर वो कनेक्ट किसी तरह से हो भी जा रहा है, तो अपने आप डिसकनेक्ट हो जा रहा है कुछ देर बाद। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये बग्स अपने फोन में देखने को मिला या नहीं मिला। यार, बात करें अगले बग्स की, तो अगला बग्स तो मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनके फोन में वाईफाई अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। उनका कहना यह है कि 5 से 10 मिनट वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, फिर ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम मुझे अपने फोन में नहीं देखने को मिली, लेकिन आपको अगर ये प्रॉब्लम मिल रही है तो मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। सर, आज की इस वीडियो में बस यही कुछ बात करनी थी, कुछ यही बग्स थी जो कि रियलमी को जल्दी से जल्दी फिक्स कर देना चाहिए स्टेबल अपडेट देके, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और उस रियलमी 2 प्रो के अपडेट में काफी ज्यादा बग्स देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।